हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 8 दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आए हुए थे, जो पूछे गए थे। तो यहाँ पे हमें आइडिया होगा कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें अपनी, किस टॉपिक से हमें ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ से आइडिया होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व तो पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है कि क्लोरोफिल में ना सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी पहले का सी, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 किसने जीता है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस तरह से करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो हम लोग को इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो दूसरे का ऑप्शन ए, यानी पीवी सिंधु, पीवी सिंधु ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखेंगे, थर्ड करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर क्वेश्चन थर्ड में देखेंगे कि यदि दीवार को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दरवाजा कहा जाए, दरवाजा को फर्श कहा जाए और फर्श को छत कहा जाए तथा छत को वेंटिलेटर कहा जाए, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा। तो व्यक्ति खड़ा होगा फर्श पे, और फर्श को क्या कहा जाता है, तो फर्श को कहा, दरवाजा को फर्श कहा जाए, फर्श को छत कहा जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हम लोग का होगा, यानी थर्ड का ए, तो ऑप्शन ए होगा, यानी छत पे खड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, आशा की धातु है, आशा की धातु किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे यूरेनियम, सीसा, थोरियम, प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, दैट मीन्स यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है, मोरक्को की राजधानी है, मोरक्को की राजधानी कहाँ है। तो मोरक्को की राजधानी रबात, कैसाब्लैंक, डकार या मारस्का है। तो रबात यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा, तो मोरक्को की राजधानी रबात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं सिक्स का, सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20% का 85% और 400 का एक्स परसेंट बराबर 347 है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दूंगा, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। सिक्स का बी, बी यहाँ पे 40% होगा आंसर। सेवेंथ भी मैथ के ही क्वेश्चन है, तो मैथ की क्वेश्चन में भी यहाँ पे भी सेवेंथ का जो आंसर होगा, तो सेवेंथ का आंसर होगा दैट मीन ए, यानी 124। क्वेश्चन नंबर एट भी मैथ का ही क्वेश्चन है, तो लगातार तीन ये मैथ के क्वेश्चन हमें मिले। कोला के 4 वर्ष की पूर्व पिता की आयु, यानी एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आफ्टर दैट फिर आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 44 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ पे स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ पे स्थित है, पुणे, मुंबई, नई दिल्ली या हैदराबाद। तो ये स्थित है न्यू दिल्ली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली में, जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी तरंग होती है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है थर्मल विकिरण, एक्सरे, परावैगनी किरण या भूकंप की तरंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, दैट मीन्स भूकंप की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 यहाँ पे देखेंगे, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मौलाना मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, चीन में निम्नलिखित कौन सा शहर 2022 में एशियाई खेलों का मेजबानी करेगा। तो एशियाई खेल जो होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो करंट अफेयर में इस पार्ट को हमें हमेशा याद रखना है, हम लोगों को कि एशियाई खेल के बारे में याद रखना है, ये कौन सी टीमें जीती हैं, कौन सी हारी हैं, कहाँ पे हुआ है। तो इसका दैट मीन्स आंसर होगा डी, दैट मीन्स हांगझो। तो चीन में निम्नलिखित कौन सा शहर 2022 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, तो हांगझो करेगा। नंबर 3, 40 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का संगत अनुपात 5:3 है। तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात समान हो जाए, ये मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा बी, दैट मीन्स 10 लीटर, यानी 10 लीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 14, 14 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने कब तक के लिए सतत विकास के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया। आप जानते हैं नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर आया हुआ है, ये फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर कब तक किया है। तो 14 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स 2018 से 2022 तक।
क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2015-16 में भारत को चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो 15-16 में चना उत्पादन की बात हो रही है, तो कौन सा बड़ा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? यहाँ पे रहा है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्थानीय पवन मिस्ट्रल में विस्फोट कहाँ हुआ है? स्थानीय पवन मिस्ट्रल में विस्फोट कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में हेराडे डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? यानी हेराड डोमर मॉडल जो है, पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पहली पंचवर्षीय हेराड डोमर मॉडल पे आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सही दिए हुए विकल्प को चुन करके श्रृंखला को पूरा करें। तो क्वेश्चन नंबर 28, 22 है, 54 है, 250 है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, करेक्ट आंसर होगा होगा 686, 686 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक बुक्स के भी बहुत आते हैं, तो बुक्स और राइटर बिल्कुल आपको रिमेम्बर कर लेना है, ये स्टैटिक का पॉइंट है। तो मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मेरे सपनों का भारत जो है, एपीजे अब्दुल कलाम, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी, मेरे सपनों का भारत पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, द मैन बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता है? तो द मैन बुकर पुरस्कार ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जब भी ये बुकर प्राइज मिलते हैं तो हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल करंट अफेयर में रिमेंबर करके रखना है। द मैन बुकर प्राइज 2017 की बात हो रही है, तो मैन बुकर प्राइज जो है 17 की बात हो रही है, तो 17 की मैन बुकर प्राइज को हम लोग देखेंगे किसको मिला हुआ है। जॉर्ज फर्नांडिस हैं, कालिन गोलांडवेस हैं, पॉन्टी अरिस हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 20, आंसर होगा ए, दैट मीन चार्ल्स सांडर्स को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो निचली आकृति में लुप्त संख्या यानी खाली स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट मीन्स सी आंसर होगा, यानी वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे। 22 क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? वायु प्रदूषण का सूचक जो है कौन सा होगा? तो वायु प्रदूषण का सूचक जो होगा लाइकेन है या फंगाई है, शैवाल है या निर्हलित शैवाल होता है? तो इसका आंसर होगा लाइकेन। 23 का ब्यास सम्मान भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जब भी ब्यास सम्मान मिलते हैं तो हर एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं, तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ब्यास सम्मान 2017 में किसे मिला हुआ है? 2023 में, तो ये 23 क्वेश्चन है, 24 का सी यानी ममता कालिया को, 2017 की बात हो रही है, तो ममता कालिया जी को मिला है। 24 नंबर है, ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है? 24 क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रेट बियर लेक कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट बियर लेक जो है बोलिविया, कनाडा, यूएसए या फिर वेनेजुएला में? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा बी, दैट मीन्स कनाडा में। 25वां क्वेश्चन है, बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं। बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, आकाश में धूल के कणों के कारण, सतही तनाव के कारण, पृथ्वी के गर्म होने के कारण, वायु के चिपचिपाहट के कारण? तो 25 का आंसर बताना है, तो यहाँ पे डी होगा, वायु के चिपचिपाहट के कारण बादलों के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए विकल्प में से कौन विषम को चुनना है, यानी कौन सा ऑड है उसको चुनना है? लेखक, इतिहासकार, कवि या फिर प्रकाशन? लेखक, इतिहासकार, कवि या प्रकाशन? तो यहाँ पे प्रकाशन बिल्कुल अलग होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा सी। 27 का आंसर है, 1 से 9 तक के अंकों के वर्ग का योग क्या होगा? तो 1 से 9 तक के अंकों के वर्ग का योग हमें बताना है, तो ये 27 का 285 दैट मीन्स सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द ज्ञात करिए। नीचे दिए गए तैरना, तालाब और ट्रैकिंग जो है, जिस तालाब में तैरा जाता है वैसे ही ट्रैकिंग जो होता है, व्यक्ति के तालाब में चलने की क्रिया को तैरना कहा जाता है, उसी प्रकार पर्वत पर जो व्यक्ति चलता है उसको ट्रैकिंग कहा जाता है, तो दैट मीन पर्वत, यानी 28 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 क्वेश्चन।
समुद्र का नीलापन निम्न में से किसके कारण होता है? तो समुद्र का नीलापन जो होता है, प्रकाश के तरंगों का व्यतिकरण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण और प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होती है ये, तो प्रकाश के विषय माध्यम से गुजरता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी 29 का बी ऑप्शन होगा। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है वायलेट कलर का और सबसे कम प्रकीर्णन होता है रेड कलर का। तो प्रकाश के प्रकीर्णन, चूंकि नीला कलर ज्यादा फैलता है जिसके वजह से हमें नीलापन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 2017 में फीफा अंडर 17, फीफा वर्ल्ड कप जब भी होगा, अंडर 17 हो अंडर 19 हो, तो विश्व कप किस देश ने जीता है? विश्व कप किसने जीता है? 30 का ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का ऑप्शन हम लोग को आंसर यहाँ पे सी होगा, यानी दैट मीन्स इंग्लैंड ने जीता है। तो ये भी करंट का क्वेश्चन होगा, अपन वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला पाउडर भी होता है इसको, बेकिंग यानी पकाने वाला पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, 31 का बी बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए सही विकल्प को चुन करके श्रृंखला को पूरा करिए। 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32, दैट मीन्स सी, यानी 210 आएगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 210 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन पूछ रहा है, दिए गए शब्दों में सार्थक क्रम को व्यवस्थित करिए। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित शब्दों का जो सार्थक क्रम होगा, तो सबसे पहले आगमन हम लोग का होगा, यानी सबसे पहले आगमन हो गया। आगमन के बाद हम लोग का हो जाता है परिचय होगा, और परिचय के बाद प्रस्तुति की दी जाएगी, और प्रस्तुति के बाद चर्चा या विवेचना की जाएगी, और विवेचना के बाद लास्ट में संतुति आती है। तो नंबर वन पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी सेकंड जो है, तो सेकंड के बाद सेकंड होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा। तो सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, यानी यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन हैं, मैथ में हम लोग को देखना है। तो मैथ के क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से दिया गया हुआ है। 34 का आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सॉल्व तो यहाँ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आंसर होगा 3 दिन। नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या ज्ञात करिए। तो 42 24 है, तो 52 का क्या होगा? तो 42, तो फिर पूछ रहा है कि 52 का क्या होगा। जैसे 2 पहले आता है, तो यानी इंटरचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 25 हो जाता है। तो इंटरचेंज होंगे तो 25, दैट मीन्स ए हो जाएगा, 35 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को 36। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना, यानी हर घर बिजली योजना कब शुरू की गई है? बिहार सरकार की योजना है, बिहार सरकार की योजना हर घर बिजली, नवंबर 16, मार्च 16, जुलाई 16 या फिर फरवरी 16। तो 16 में तो है, लेकिन पूछ रहा है महीना भी, मंथ भी तो हम लोग को याद रखना है। तो नवंबर 2016। एक दुकानदार 2 रुपये दिया पेंसिल खरीदता है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है। 37 मैथ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे हमें आंसर यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो 36 का 25%, दैट मीन्स डी, 37 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दूंगा, दैट मीन्स 6600, दैट सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक किसने लिखी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक किसने लिखी? झुंपा लहरी, किरण देसाई, अमिताभ घोष या फिर अरुंधति राय। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो पुस्तक है वो किरण देसाई की है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 कहाँ पे है? तो यहाँ 40 हम लोग आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित भाई है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 26 है, यानी ये करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो धार्मिक स्वतंत्रता से प्रतिबंधित करने से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्वेश्चन है यहाँ पे, दिए गए विकल्पों संबंधित संख्या चुनिए। संख्या चुनना है, संबंधित संख्या।
17, 4913 तो 21 का क्या होगा? तो 17 का अगर क्यूब करते हैं तो 4913 आता है, वैसे ही 21 का क्यूब करेंगे तो 9261 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 42 क्वेश्चंस। एकीकृत विद्युत विकास योजना की मुख्य वस्तु क्या है? एकीकृत विद्युत विकास योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना का उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे 24x7 बिजली की आपूर्ति करना सुनिश्चित करना क्या है, और कुल तकनीकी और वाणिज्यिक क्षति में कमी लाने की है, और सभी घरों तक विद्युत आपूर्ति करना सुरक्षित करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 24 मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो सभी घरों के लिए बिजली की खपत, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट 43। बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा सौंपते हैं, तो बिहार में जो मुखिया का पद होता है, मुखिया अगर अपने पद से हटना चाहता है तो इस्तीफा देना चाहता है, तो वह अपना इस्तीफा किसको देता है? तो बिहार में जो मुखिया अपना इस्तीफा जिला पंचायत राज अधिकारी को देता है, तो जिला पंचायत अधिकारी दैट मीन्स बी, जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंप करके वो अपना इस्तीफा दे सकता है। आप जानते हैं कि मुखिया का पद जो होता है 5 वर्षों के लिए होता है, वह चाहे तो अपने 5 वर्ष से पहले भी इस्तीफा दे सकता है, और किसी भी व्यक्ति को मुखिया बनने के लिए, मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। दिए गए विकल्पों में से सही चुनना है, एक यहाँ पे 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, तो आफ्टर दैट फिर 6 का क्यूब आएगा। 6 का क्यूब हम करेंगे तो 216 आएगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो हेलीबैक्टर पाइलोरी, हेलीबैक्टर पाइलोरी जो होता है एक जीवाणु होता है और यही अल्सर के लिए उत्तरदायी होता है। 46। किस सबसे बड़ी संख्या को 783, 863 और 1021 को विभाजित करने पर शेष क्रम 3, 5 और 7 बचेगा? ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट मीन्स ए यानी 78 ऑप्शन। 47। संत बड़ा है विपिन से परंतु पवन से छोटा है, राजू बड़ा है संत से परंतु पवन से छोटा है, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? तो रीजनिंग के क्वेश्चन है, 47 के क्वेश्चन है, तो पता है संत के, तो पवन बड़ा है संत से, संत बड़ा है विपिन से, और पवन बड़ा है राजू से, राजू भी बड़ा है संत से, यानी पवन बड़ा है राजू, फिर राजू बड़ा है संत, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा विपिन यानी विपिन सबसे छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स डी ऑप्शन सही है, विपिन सबसे छोटा होगा। 48। दिए गए विकल्पों में से कौन से संबंधित संख्या है चुनिए, 7 का 26 है, वैसे 13 का क्या होगा? 7 का 26 तो आप देखेंगे कि 7 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 28 होगा, और उसको -2 करेंगे तो 26 आएगा, वैसे ही 13 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और -2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। दैट मीन्स डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यदि C बराबर 1, I, G, E बराबर 7 तो C, I, F, G, B क्या होगा? यानी C इक्वल टू 3 है और 3 C क्या होता है, तो C तीसरे नंबर पे होता है, तो 3/3 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, दैट मीन्स 1 हो गया, और I का वैल्यू 9 होता है तो 9 प्लस G का वैल्यू 7 होता है तो उसको हम ऐड कर लेंगे, प्लस E का वैल्यू 5 होता है, 9 + 7 + 5 इक्वल टू हो जाएगा 21, और 21 को हम चूंकि 3 वर्ड हैं तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे 3 to 5 वर्ड हैं और इसको हम ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पर टोटल वैल्यू 27 आएगी, और 27 आएगी तो दैट मीन जो होता है 27, तो यहाँ पे 9 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 3 से यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 9 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट विल बी द आंसर क्वेश्चन 50 का? 2017 में वैश्विक प्रतियोगिता सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो ये रैंक और इंडेक्स का क्वेश्चन करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, ये 50 नंबर क्वेश्चन में 45वां, दैट मीन्स डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। 51 क्वेश्चन। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो चर्चित व्यक्ति आप देखेंगे तो चेतन भगत, विक्रम सेठ, अरविंद अडिग या मिस्त्री, तो यहाँ पे आंसर होगा सी, दैट मीन्स अरविंद अडिग, द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिग की है।
52 निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण बिहार में स्थित है, दक्षिण बिहार का भाग है, तो दक्षिण बिहार का भाग में विश्व का कौन सा जिला स्थित है? तो आरा पश्चिम में स्थित है, जबकि राजगीर आप देखेंगे तो मध्य में है, तथा पूर्वी क्षेत्र में पूर्णिया जिला स्थित है। गया फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे पूछ रहा है कि दक्षिण बिहार में कौन सा था, दक्षिण बिहार में स्थित जिला गया होगा, दैट मीन्स डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 53 ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए पुत्र है बी का, सी ग्रैंड डॉटर है डी की, जो बी का पति है, तो ए और डी में किस पर संबंधित है, ब्लड रिलेशन? तो 53 का जो आंसर होगा दैट मीन ए डी का पुत्र है, तो ए की डी के, तो ए डी का क्या है, पुत्र है, दैट मीन्स डी ऑप्शन सही होगा। तांबे और चांदी एक मिश्र धातु का वजन 40 की ग्राम है, जिसमें तांबे का अनुपात 60% होता है। मिश्र धातु में कितनी तांबा मिलाया जाना चाहिए कि तांबे का प्रतिशत कितना हो जाए, 80% हो जाए, तो कितना हम तांबा मिलाएं इसमें, 80% इसमें हो जाता है। तो ये भी मैथ के ही क्वेश्चन है। 54 का हम लोग आंसर देखेंगे, तो 54 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट मीन्स 40 ग्राम, यानी 40 ग्राम। नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। 55 क्वेश्चन का लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना होगा, तो क्या होगा, यहीं पे हमें पुट करना है। तो 1 है, 8 है और 64 है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, उसके बाद 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, और 6 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा, यानी 1 2, 2 के बाद 4, तो 4 के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे 8 का, ठीक, 8 का हम अगर क्यूब करेंगे तो 512 आएगा, दैट मीन्स ये क्यूब हो रहा है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड 4 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय वन्य जीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है? भारतीय इंडियन फॉरेस्ट संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है? तो भारतीय जन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वन्य जीव संस्थान जो है देहरादून उत्तराखंड में, दैट मीन्स बी। भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है? पार्टी पार्टी कौन सी नहीं है? पहला है समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाज बहुजन समाज पार्टी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तो इस चारों में से बताना है कि कौन सी पार्टी। तो भारतीय जो 16वीं लोकसभा चुनाव में 6 पार्टियां जो थी वो राष्ट्रीय दल के रूप में थी, तो 6 पार्टियां राष्ट्रीय दल के रूप में 2014वीं लोकसभा में, 16वीं लोकसभा में भाग लिया था, जो 14वीं चुनाव हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, और भारतीय कांग्रेस पार्टी भी, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी नहीं है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रकाश की गति अधिकतम होती है तारपीन के तेल में, ग्लास में, नाइलॉन में या फिर पानी में? बताना है कि लाइट की स्पीड, आप लाइट की स्पीड जानते हैं कि एयर में सबसे ज़्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड होती है इसकी एयर में। तो प्रकाश की गति निर्वात में भी सबसे ज़्यादा होती है, निर्वात और एयर में। तो अगर बात किया जाए तो सबसे गति इसकी सबसे ज़्यादा अधिक जो है इसकी गति किस में होगी, तो तारपीन तेल या ग्लास में? तो 58 का आंसर आपका होगा, 58 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आंसर नंबर डी होगा, दैट मीन्स पानी में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, बाकी सब चीज़ें स्पीड कम कर देती हैं। इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में मुख्य रूप से डैनियल सेल, लोगांसे सेल, बोल्टियन सेल या ड्राई सेल? तो लोगांसे सेल का इस्तेमाल किया जाता है। 100 बिल्लियां 100 दिनों में 100 चूहों को मारती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में मारेंगी? 100 बिल्लियां अगर 100 चूहों को 100 डेज में मारती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने देर में मारेंगी, दैट मीन्स 100 दिन में, यानी 100 डेज, बिल्कुल डी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करिए कि कौन सी संख्या लुप्त है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 27, 27 का और फिर 125, तो फिर 8 हो गया, 27 का करेंगे क्यूब तो 3 होगा, 3 के बाद 5 हो गया, 3 और 5 को हम ऐड करेंगे तो 8 होगा, वैसे ही इसका 2 हो गया, इसका 4 हो गया, तो 2 4 और 6 हो गया,
यहाँ पे 5 होगा, 5 और उसके बाद 6 होगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा, तो 11, दैट मीन्स यहाँ पे 11 होगा। तो ये भी लूप संख्या याद करना, ये 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो इसको ऐड करने पे 8 आएगा, 3 और 5 8, तो ऐसे ही सेम, तो 11 यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है, दैट मीन्स सी। 62, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, जैसे 50 है, 83 है, 124 है, तो यहाँ पे बताना है क्या हो, तो क्या यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो आप देखेंगे कि 7 × 7 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 का होगा, और प्लस इसमें 1 ऐड करेंगे तो 50 आ गया, उसके बाद 9 × 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो गया, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 83 हो गया, आफ्टर दैट 11 और 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आता है, और आफ्टर दैट 3 ऐड करेंगे तो 124 आएगा, फिर इसको यहाँ पे 13 × 13 करेंगे और 4 ऐड करेंगे तो 173, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कप्तान और सैनिक शामिल हैं एक ट्रेन में यात्रा कर रहा है, और हर 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान होता है, तो समूहों में कप्तानों की संख्या कितनी होगी। चूंकि मान लेंगे कप्तानों की संख्या x है, x मान के आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 75 होगा। आईने सिंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आईने सिंदरी जो है एक मसनवी थी जो कि अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि वह मेहनती है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, यदि वह मेहनती है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। इसके निष्कर्ष दिए गए हैं कि स्वस्थ व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता है, तो ये नहीं कहा जा सकता बिल्कुल, ये कोई भी व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता है, ये भी नहीं कहा जा सकता है। दैट मीन्स जो कथनानुसार मेहनती व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण कर जाएगा, तो यह संभावना है कि स्वस्थ व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता है, तो केवल यहाँ पे निष्कर्ष देखा जाए तो एक सही हो सकता है, कि कहा है कि स्वस्थ व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण, यदि वह मेहनती है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, तो स्वस्थ व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है, कोई भी व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है, तो पहला आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, जैसे कि अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, उसी प्रकार शिवालिक संबंधित है, अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है, वैसे ही उसी प्रकार शिवालिक जो है मुड़दार पर्वत है, तो मुड़दार पर्वत दैट मीन सी होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के डोलड्रम्स की बेल्ट कहा जाता है, डोलड्रम्स की बेल्ट किसे कहा जाता है, तो डोलड्रम्स या विषुवत रेखीय जो निम्न वायु दाब की पट्टी होती है, विषुवत उत्तर में दो मांडवी होती है, तो दो पवनों के बीच ये स्थित होती है, तो निम्न वायु दाब कटिबंध के रूप में क्या ध्रुवीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, या फिर ध्रुवीय क्षेत्र है, तो 67 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी भूमध्य रेखा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात करना है, तो विषम शब्द इसमें कौन से हैं, लखनऊ, चेन्नई, सूरत या फिर कोलकाता, तो विषम शब्द यानी जो अलग है, अन्य सभी किसी न किसी राज्य की राजधानियों के नाम हैं, तो 68 में देखेंगे लखनऊ है, वेस्ट बंगाल की कोलकाता है, ये तो सूरत एक सिटी है, तो यहाँ पे डी होगा, दैट मीन सूरत। 69, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है, व्हाट विल बी द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होता है, प्लाज्मा रक्त प्लाज्मा का लिक्विड पार्ट होता है, जिस लाल कोशिकाएं आरबी सफेद कोशिकाएं प्लेटलेट्स निलंबित होता है, जिसमें लगभग 90% पानी ही होता है, तो प्लाज्मा का पार्ट पानी होता है, दैट मीन लिक्विड होता है, तो 69 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 70, रीता अपने वेतन का 1/5 भोजन पर खर्च करता है, 1/2 शिक्षा पर, 1/10 भाग कपड़े पर खर्च करती है, यदि उसके पास अभी भी 800 रुपये बचे हों तो भोजन और शिक्षा पर खर्च का अनुपात क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा 2/5, 2/5 रेशियो का होगा इसका। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ है, शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया है, तो 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया, कौन सी
घटना भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो स्प्रिंग को खींचना, आटे से रोटी बनाना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना। तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन ये होता है जो कि कभी वापस नहीं आ सकता, जैसे पेपर का जल जाना। तो पेपर अगर जल गया तो दोबारा पेपर नहीं बन सकता, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन होता है जिसे कि हम दोबारा चेंज कर सकते हैं, जैसे पानी से बर्फ बना तो बर्फ से पानी बन सकता है, तो इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो स्प्रिंग को खींचना ये भौतिक परिवर्तन है, जबकि सारे रासायनिक परिवर्तन है, बाकी ये सभी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो 72 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नित्य गंभीरा, तो गंभीरा किससे संबंधित है? तो गंभीरा जो होता है वेस्ट बंगाल से संबंधित है, चाहे वो गंभीरा हो, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो जत्रा हो, चाहे वो महल हो, ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से हो। 73 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 74, पार्क को इस तरह से लिखा जाता है, सड़ को इस तरह लिखा जाता है, और इस पार्क को इस तरह लिखा जाता है। तो उसी प्रकार सार को, SHARK यानी सार को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आप देखेंगे कि पी, तो पी के लिए कोड 5 आया है, ए के लिए 4 आया है, आर के लिए 6 आया है, और के लिए 1 आया है। वैसे ही शर्ट में भी एस के लिए 3 आया है, एच के लिए, आई के लिए 8 आया है। तो स्पार्क यानी सार्क के लिए हम कह सकते हैं 3 2 4 6, 3 2 4 6 1, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न का पूर्ण करेगी? यहाँ पे कौन सी इस आकृति को फुलफिल कर सकती है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रश्न आकृति का प्रत्येक भाग 1/4 भाग समान है, अतः यहाँ पे प्रश्न जो विकल्प है ये नंबर सी, दैट मीन्स ये पूरा करेगी, क्योंकि तो बिल्कुल इस तरह से राउंड आना चाहिए शेप, तो इस तरह तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये हो सकता है लेकिन ये तिरछी लाइन ऐसे नहीं आ रही है, तो बिल्कुल ये सी करेक्ट होगा। ये ऐसी लाइन है और एक लाइन ऐसी आ रही है, तो इस तरह से लाइन पूरा करना है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/4 से अधिक और 7/4 से कम है? तो ऑप्शन बिल्कुल जो करेक्ट होगा यहाँ पे, तो सबसे जो कम होगी 4/3, 0.7, 4/3। निम्नलिखित कौन सा भिन्न 4/3 से अधिक है? तो 4/3 जो नुकसान होगा और 7/3 से कम है, तो 4/3 बोल सकते हैं 0.75, और 7/8 को बोल सकते हैं 0.87। तो 4/5 जो होगा वो इसके बीच में आएगा, दैट मीन्स 0.08। तो 4/5 की अगर बात करें तो ऑप्शन जो होगा वो 4/5 डी बिल्कुल करेक्ट होगा। साधारण ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा? 4 वर्ष में अगर 2 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? तो 12 वर्ष में ये 4 गुना हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जेमू ग्लेशियर किस राज्य में? तो जेमू ग्लेशियर सिक्किम के हिमालयी क्षेत्रों में कंचनजंगा के आधार में स्थित होती है ये, तो सिक्किम ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। तारपीन का तेल निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? तो तारपीन का तेल पाइन से, या फिर कोई कोनिफर से, या देवदार से, या जोनोपीरियस से। तो तारपीन का तेल किसे निकाला जाता है ये हमें आंसर आपको बताना है। तारपीन का तेल जो होता है वो पाइन के वृक्ष से होती है, पाइन के वृक्ष से ही निकाला जाता है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो वह पुरुष किस प्रकार उस महिला से संबंधित है? तो पुरुष जो होता है पत्नी की ओर इशारा करते हुए, एक पुरुष जो है परिचय देते हुए कहा कि यह महिला उसकी पत्नी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। जो पुरुष और महिला का पति का संबंध है यानी पति हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81, ब्लॉक माउंटेन किसका उदाहरण होते हैं? ब्लॉक माउंटेन जो होता है यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण होता है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण होता है, जर्मनी का जो है, जर्मनी में पाया जाता है। तो दक्षिण और पश्चिम में राइन रिष्ट घाटी से घिरा हुआ है, अल्पांस और राकी मोड़दार पर्वत हैं, जबकि अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है।
तो अवशिष्ट पर्वत जो होती हैं, अरावली माउंटेन उदाहरण हो गया आपका, यानी डी। 82, ए बी तेज दौड़ता है परंतु सी जितनी तेज नहीं, जो डी से धीमा है, तो कौन सा दूसरा सबसे तेज धावक होगा? तो इसमें देखेंगे तो डी सबसे तेज हुआ, उसके बाद सी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद डी के बाद सी, सी के बाद ए, फिर ए के बाद बी आता है। तो सबसे तेज जो धावक होगा डी होगा, दूसरा सबसे तेज सी होगा। 41, छात्रों की एक कक्षा में प्रतिभा का रैंक 9वां और अंतिम से उसका रैंक क्या होगा? 41 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें रैंक क्या होगा? तो 41 स्टूडेंट्स में से इसका रैंक 33 होगा, यानी 33वां। 84 क्वेश्चन, एक कक्षा में देवेंद्र को 12वां स्थान मिला तथा उत्तीर्ण छात्रों के नीचे से उसका 33वां स्थान है, तो तीन छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया तथा एक अनुत्तीर्ण रहा, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो उत्तीर्ण अगर लड़कों की संख्या देखा जाए तो 12 प्लस 31 माइनस 1 यानी 42 उत्तीर्ण हो गए, और कुल लड़कों की संख्या अगर देखा जाए तो 42 प्लस 3 प्लस 1 दैट मीन्स 46, यानी 46 आंसर करेक्ट हो गया। 85, यदि राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है, तो राधा की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है? तो इसका जो आंसर होगा वो 16 2/3 होगा, दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, ये भी मैथ का ही है। 1683 रुपये की राशि को ए बी और सी के बीच वितरित किया जाता है। यदि ए का 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/4 सभी समान हैं, तो बी की कुल राशि ज्ञात करिए। यानी ए बाय टू, बी बाय थ्री और सी बाय थ्री सभी रेशियो दूसरे से बराबर हैं, तो ए बी सी का रेशियो जो होगा वो 2:3:4 हो जाएगा। यानी 1683 को देखा जाए तो 561, यानी दैट मीन्स ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है 18 अक्टूबर 2010 में करी गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 88, महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 17 किसने जीता है? तो वुमन सिंगल्स में विंबलडन एकल जो 17 के, तो ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो विंबलडन जो 17 किसने जीता है? तो 88 का जो क्वेश्चन होगा विंबलडन पे होता है कि महिला एकल में गार्विन मुगुरुजा मुखर्जी वन मुगुरुजा ने जीता है। बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त की गई है? 89 क्वेश्चन वो देखेंगे, बलवंत राय मेहता कमेटी कब की गई? तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो होती है वो 16 जनवरी 1957 में शुरू की गई थी, जो कि सामुदायिक कार्यक्रमों के विकास के जांच करने के लिए किया गया था, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो होता है नवंबर 1957 में सौंप देते हैं। राइजोम का उदाहरण कौन सा है? राइजोम का उदाहरण कौन सा है? तो अदरक राइजोम का उदाहरण है, यह एक भूमिगत तना है, अदरक यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। 91, भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो होता है वो है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा होता है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद होता है झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा में, तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में यहाँ पे होगा। नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में सही आकृति का चयन करना है, तो सही आकृति को चयन करके बताना है कि, तो प्रत्येक जो स्टेप में आकृति 90 डिग्री एंटी क्लॉक में जा रही है, तो एंटी क्लॉक वाइज दैट मीन्स ये आकृति एंटी क्लॉक वाइज 90 पे यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ पे हो गई, फिर यहाँ पे एंटी क्लॉक में यहाँ आई, तो फिर ये एंटी क्लॉक जाएगी, तो इस तरह से आकृति आना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सी सही होगा, दैट मीन्स 92 का सी। तो 90 डिग्री घूमता है आकृति, क्लॉक वाइज दिशा में घूमती है, आकृति सी बिल्कुल करेक्ट होगा। मूल रूप से कौन सा कोरल यानी मूंगा द्वीप है?
मुंगा द्वीप कौन सा है, 93 का क्वेश्चन ये। तो बोरा बोरा द्वीप जो होता है मुंगा द्वीप है, बोरा बोरा द्वीप मुंगा द्वीप 93 का सही है। तो बोरा बोरोन जो द्वीप होता है 93 सी। मिजोरम राज्य के रूप में 94 का है, किस मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया है। तो मिजोरम राज्य जो होता है 1987 में भारत का 23वां राज्य बना, 1987 में 23वां राज्य बना मिजोरम। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 और यूटी की संख्या टोटल 8 है। बहुत और 1972 में कैसे प्रदेश बनने से पहले यह असम का एक जिला हुआ करता था, यह असम का जिला था, बाद में ये स्टेट बन गया। किस शहर को महलों के शहर के रूप में जाना जाता है, महलों के शहर के रूप में कोलकाता को जाना जाता है। तो कोलकाता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शोल्डर मिश्र धातु किससे बना होता है, किस धातुओं का मिश्र धातु होता है। तो शोल्डर, जो शोल्डर जो होता है टिन और लेड का बना होता है, टिन और लेड, दैट मीन्स 15। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को की स्थापना राजेश कहाँ से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन, इनके चार ऑप्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, क्या है, गुमला झारखंड से किया गया था, या फिर उड़ीसा से किया गया था, छत्तीसगढ़ के, या फिर राजस्थान से किया गया था। तो राजस्थान से किया गया था बिल्कुल, तो राजस्थान से इसका किया गया है, यानी बांसवाड़ा से राजस्थान से किया गया है। 97 नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, किसने वर्षों में 1,000 रुपये की धनराशि, कितने वर्षों में 1,000 रुपये की धनराशि प्रत्येक वर्ष 10% ब्याज की दर से 1,331 रुपये हो जाएगी। ये मैथ का क्वेश्चन, तो मैथ का क्वेश्चन की धनराशि देखेंगे, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। सरस्वती सम्मान, ये भी वी वी आई पी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी सरस्वती सम्मान मिलता है तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरस्वती सम्मान 2016 किसे सम्मानित किया गया है, तो सरस्वती सम्मान 2016 सम्मानित किसे किया गया है। तो यहाँ पे करंट का क्वेश्चन है, तो हम लोग देखेंगे 99 कोंकणी भाषा के लेखक महाबलेश्वर सैल जी को, यानी ए ऑप्शन सही है, कोंकणी भाषा के जो राइटर हैं लेखक है मलेश्वर सैल जी को दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, MCX, नेशनल मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज NMCX का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो यहाँ मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 101, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा करवाया गया है। तो कुतुब निर्माण का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है, कुतुब निर्माण का कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में ही उन्होंने करवाया था, लेकिन उसको मृत्यु हो जाने के कारण यह अधूरा रह गया था, जिसे इल्तुतमिश ने फिर 1220 में पूरा करवाया था। 1220 में इल्तुतमिश ने फिर उसको पूरा करवाया था। यदि एक परिवार में प्रत्येक पुत्री को समान संख्या में भाई और जितनी बहनें हैं, तो प्रत्येक पुत्र को भाई की संख्या से दोगुनी बहनें, तो परिवार में कुल कितने पुत्र हैं। तो कुल पुत्रों की संख्या जो है यहाँ पे 3 होगी। बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों ने अपना इस्तीफा किसे सौंपा, तो बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों अपना इस्तीफा जो है पंचायत समिति के जो प्रधान होंगे, तो पंचायत समिति के प्रधान को सौंपेगा। चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो चाय की पत्तियों को जो हम इलाज करने के लिए है उसको जो है वायरस से, जीवाणु से, कवक से, या शैवाल से, ये सब जीवाणु की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जीवाणु के द्वारा इसको हल किया जाता है। तो चाय की पत्तियां जो होती है जीवाणु क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और यह अनिवार्य रूप से एक ऑक्सीकरण शुष्क किण्वन प्रक्रिया होती है। तो इस दौरान पानी का अवशोषण बंद हो जाता है और हरा रंग समाप्त हो जाता है इसमें, चाय की पत्तियों में, तो इसी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करिए कि यहाँ पे लुप्त संख्या पे क्या हो सकता है। तो हम देखेंगे कि जिस प्रकार 3 और 9 का संबंध होता है 39, तो वैसे ही यहाँ पे क्या संबंध होता है, तो 3 और 3 9 हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 9 और 3 जो होगा, 9 और 3 27, तो वैसे ही 3 और 3 हो गया 9,
नाइन और नाइन 81, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है, यानी 81 हो सकता है। 3 है, 9 है, 27 है, तो 3 9 27, 3 9 हो गया 27, तो 27, तो 9 और 9 उसी प्रकार 9 और 9 89। नेक्स्ट, कौन सा करंट गर्म प्रकृति की है? गर्म प्रकृति फॉकफंड जलधारा, वेनेजुएला जो होती है ये भी है, फॉकफंड है, वेनेजुएला है जला, और किनारी जलधारा अंटार्कटिक महासागर की ठंडी धारा, जबकि रेनले, यहाँ तो रेनले, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, दैट मीन्स सी ऑप्शन सही होगा। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, बिल्कुल सही है। एडल्ट में 206 होती हैं, बच्चों में चाइल्ड जो होता है छोटा बच्चा, उसमें 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंग ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो कश्यप मतंग ने किस वर्तमान क्षेत्र से किया था? ऑप्शन जो है चाइना से, श्रीलंका से, अफ्रीका से, या फिर दाउथ कोरिया से। तो बिल्कुल यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा 109 का, तो हम लोग देखेंगे 108 का चीन में। एक निश्चित कोड भाषा में ओरल को 3196, नोवर को इतना लिखा जाता है, तो लिखा जाता है, तो नोवर को उसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे? ओरल और नोवर, तो 109 का है, तो इसका ऑप्शन जो होगा, तो ओरल को लिखा जाता है 9 से, तो फिर 10 को देखेंगे कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 95465, 95465 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए, तो इसमें से विषम कौन सा है चुनना है? तो विषम दिया अगस्त है, जुलाई है, जून है और मई है, तो जून को छोड़ करके अन्य सभी महीने 31 दिनों के होते हैं, तो जून को अगर छोड़ा जाए तो सभी 31 दिन के होंगे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विषम जो होगा वो सी होगा, दैट मीन्स जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, 111 क्वेश्चन, एक दुकानदार 20% की हानि पर 1600 रुपये में एक साइकिल बेची, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए साइकिल को किस कीमत पर बेचना होगा? तो लाभ हानि का क्वेश्चन है, तो 111 का जो ऑप्शन आप देखेंगे करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है 2300, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को चुनना है कि कौन जो है ये सबसे अलग है, 27 है, 125 है, 1331 है और 16 है, तो आप देखेंगे तो ये 3 का क्यूब हो गया और ये 5 का क्यूब हो गया और ये 11 का क्यूब हो गया, जबकि ये क्यूब नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जरा विज्ञान किससे संबंधित है? तो जरा विज्ञान, जिस प्रकार जो मत्स्य विज्ञान है मछलियों के अध्ययन से, तो जरा विज्ञान जो होता है वो वृद्ध का अध्ययन कहलाता है, वृद्ध का अध्ययन, तो जरा विज्ञान जो होता है, जरा विज्ञान वृद्ध का अध्ययन कहलाता है। संख्या, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे संख्या 0.3, संख्या 0.003 से कितनी गुनी अधिक है? तो संख्या 0.3 कितनी अधिक है? तो 100 अधिक होती है, 100 गुनी अधिक है, 100 गुनी अधिक है। एक 6 पुरुषों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक आदमी जिसका वजन 60 किलोग्राम है के स्थान पर एक नए आदमी को शामिल किया जाए, तो नए आदमी का वजन क्या होगा? तो 115 है, इसका क्वेश्चन को आंसर आप सॉल्व करेंगे तो आ सकता है 66, तो 66 किलोग्राम। 116 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.003% है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो होता है वो 0.003% है, 0.03, 0.0391, यानी 20 सही होगा।
एम भाई है एन का, पी माता है एम की, और ओ पिता है के का, एन पुत्री है ओ का, ओ की बहन तथा बहन है क्यू की, एम किस प्रकार से संबंधित है। 117 क्वेश्चन में 117 में ये किस प्रकार संबंधित है। तो हमें एम जो है क्यू का भाई है, तो भाई हो सकता है, एम क्यू का भाई है। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है, तो लाभ प्रतिशत उसका हो जाएगा 25%, यानी ए बिल्कुल करेक्ट होगा 118 का। 119 में हम लोग देखेंगे, दिए गए सही विकल्प को चुन करके श्रृंखला को पूरा करना है। 52, 69 और 88, नेक्स्ट क्या होगा। 119 में अगला क्या होगा, तो 52 में अगर 17 जोड़ते हैं तो 69, और 69 में 19 जोड़ेंगे तो 88, और 88 में 21 जोड़ेंगे तो 109, यानी सी होगा। हम लोग 52 में 17 जोड़े तो ये हो गया 17, फिर इसमें 19 जोड़िए, और 19 के बाद फिर 21 जोड़ना है। 120, जब एक आंधी महिला को सड़क पार करने की, जब आप एक अंधी महिला को सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखते हैं, जब आप एक अंधी महिला को सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखते हैं तो ध्यान नहीं देते, सड़क पार करने का तक प्रतीक्षा करेंगे, किसी की सहायता के लिए कहते हैं या जाकर उसकी मदद करेंगे। तो 120 क्वेश्चन का जो होता है आंसर हमें क्या है कि महिला की मदद करनी चाहिए, तो जाकर महिला की मदद करेंगे, तो डी हो गया 20 का डी। दूध का एक उदाहरण है, मिल्क यानी दूध का एक उदाहरण कौन सा हो सकता है। तो दूध जो होता है ना इमल्सन का उदाहरण, तो इमल्सन होता है दूध, एक इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन दो या दो से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है जो कि अमिश्रणीय होते हैं, दूसरे से मिलते नहीं, अमिश्रणीय होते हैं। तो इमल्सन जो होता है दो या दो से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण है जो अमिश्रणीय होते हैं। नेक्स्ट नंबर, एक पतली छोटी सी सुई पानी में तैर सकती है, तो सतही तनाव के कारण, पानी की अपेक्षा कम द्रव्यमान के कारण, कोशिका के कारण, सुई के हल्के वजन के कारण। एक पतली छोटी सुई पानी में तैरती है, उसका कारण क्या है। एक पतली सुई या पेपर का क्लिप को पानी में डाला जाए तो वो डूब जाएगी, लेकिन एक पतली छोटी सुई को जल में समतल रूप से छोड़ा जाए तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण जो होगा वो नहीं डूबती है, तो सतही तनाव की वजह से वो नहीं डूबती है। बिहार में लोक सेवा का अधिकार कानून कब बना था। तो बिहार में जो लोक सेवा कानून का अधिकार है वो बना था 2011 में, तो कब, तो 25 जुलाई 2011 में बना था। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स इक्वल टू -16, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एक्स की वैल्यू जो आती है वो 4 आएगी, दैट मीन्स डी। क्वेश्चन नंबर 125, 37 प्लस 41 इक्वल टू इतना, 46 प्लस 53 इक्वल टू 54, 28 प्लस 39 इक्वल टू क्या होगा। तो 37 प्लस 41 इक्वल टू 78 होता है, और 78 को 7 प्लस 8 करेंगे तो 15 होता है, 15 को 3 गुना करेंगे तो 45 आएगा। जैसे 37 और प्लस 41 को अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद इसको 78 आता है, और 78 में 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आता है। तो ऐसे ही 46 और 53 को जोड़ेंगे तो 99 आएगा, कितना जाएगा तो 99 आएगा, और 99 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9918 हो जाएगा, और 18 को फिर 3 गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो वैसे ही 28 और 39 को ऐड करने पर 39, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। लाल किला का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था। लाल किला देखो, दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण, और आगरे के किले का निर्माण तो अकबर ने करवाया था।
किसी व्यक्ति की प्रति माह आय और बचत का अनुपात 7:5 है। यदि वह 72,000 रुपये प्रति वर्ष खर्च करता है तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी? तो आय और व्यय का अनुपात 7:5 है, अगर निकालने पर देखा जाए तो 21,000 रुपये उसकी मासिक आय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम भाई हैं, रेखा मुन्नी है सरिता की और सरिता पत्नी है श्याम की, तो रेखा का राम से क्या संबंध है? राम और श्याम भाई हैं, रेखा जो है पुत्री है किसकी? सरिता की, तो इनमें क्या संबंध है? तो यहाँ पे देखेंगे कि रेखा राम की भतीजी होगी, यानी ऑप्शन नंबर 128 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? मोटर कारों के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का? मोटर गाड़ी के हेडलाइट में इस्तेमाल करने वाले शीशे की बात हो रही है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण यूज किया जाता है, हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण सही होगा। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति शुरू की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड होस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसकी नीति अपनाई गई थी, तो विलय का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी यानी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जो है, नीचे दिए गए आकृति किसने त्रिभुज है, त्रिभुज बताने हैं, तो टोटल कितने त्रिभुज हैं? नीचे की आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है यहाँ पे आप देखेंगे, काउंट करेंगे तो 27 आएगी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? वनस्पति घी बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे तो दिए गए हैं, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है। तो वनस्पति के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को, हीलियम को, मीथेन को या फिर ऑक्सीजन को? तो भविष्य का ईंधन जो कहा जाता है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है, भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। किस देश ने पुरुष का एशिया कप 2017 हॉकी टूर्नामेंट जीता है? तो पुरुष का एशिया कप हॉकी का टूर्नामेंट भारत ने मलेशिया को हरा के जीता था, तो यहाँ पे जीता है भारत ने। 135 क्वेश्चन देखेंगे, 69 माइनस 3 43, 72 माइनस 4 34, तो 65 माइनस 5 क्या होगा? तो 135 में क्वेश्चन बोल रहा है 69 माइनस 3 यानी 6 प्लस 9, तो 6 प्लस 9 करना है और उसको 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 माइनस 2 कर देंगे 43 आ जाता है। तो मल्टीप्लाई कैसे किया गया है? तो 6 और 9 को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, 6 प्लस 9 कर दिया गया है और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और 2 माइनस किया गया है, तो सेम ऐसे ही इसमें भी होगा, 7 प्लस 2 को ऐड किया गया है, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और उसके बाद -2 किया गया है, तो सेम इसमें होगा, 6 और 5 को ऐड किया जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और -2 किया जाएगा, तो ये 53 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36, भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बहुत सारी क्रांतियां थी हुई थी जो कि कृषि के पैदावार को बढ़ाने के लिए, तो रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है, तो यहाँ पे अंडे हो जाएंगे, एक सिल्वर रिवॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं, तो अंडा से उत्पादन है, जैसे ग्रे रिवॉल्यूशन है वो उर्वरक के लिए है, फर्टिलाइजर के लिए है, व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो मिल्क के लिए है, और कपास के लिए जो होता है जूट, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। 137, एक शतरंज टूर्नामेंट में 8 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी के साथ केवल एक बार खेला गया टूर्नामेंट के दौरान कितने मैच खेले गए? टूर्नामेंट के दौरान कितने मैच खेले गए? तो खेले गए मैचों की कर निकालेंगे तो 8C2 हो जाएगा, 8C2, तो 8C2 को अगर सॉल्व करेंगे तो 28 आएगा, दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक पिता और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का एक 48 है,
जबकि पिता और उसकी बेटी के बीच का अंतर जो होता है 24 है। पिता की उम्र उसकी बेटी की 3 गुना है, तो 5 वर्ष बाद पिता का क्या उम्र होगा? तो 5 वर्ष बाद जो होगा वो 36, दैट मीन डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और बीएससी ग्रेनिक्स कब लॉन्च किया गया था? बीएससी ग्रेनिक्स, ये भी करंट अफेयर से ही क्वेश्चन रिलेटेड है। ग्रेनिक्स ग्रेनिक्स जो 22 फरवरी 2012 में इसको लॉन्च किया गया था, 22 फरवरी 2012। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 क्वेश्चन 40। दिए गए सही विकल्प को चुनकर श्रृंखला को पूरा करिए। तो श्रृंखला को पूरा करना 9 है, 72 है, 243 है, बढ़ता जा रहा है, यानी 9 × 2 का क्यूब करेंगे तो 9 × 8 हो जाएगा 73। तो 9 × यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे हो गया 9 × 2 का क्यूब किया, तो 2 का क्यूब हो तो 8 हो गया, 72 आ गया। उसके बाद 9 × 3 का क्यूब, फिर 9 × 4 का क्यूब, तो 576, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर 16 है और उनका गुणनफल का पांचवा भाग 12 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो यानी सी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित, प्रोसीजर ऑफ लॉ, लॉ प्रोसीजर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस कहाँ से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है भारतीय संविधान जो है जापान से ली गई है, जापानी संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। इसका मतलब ये है कि विधायिका या फिर संबंधित निकाय द्वारा जो विधिवत कानून लागू किया जाता है वही उसी का पालन करना होता है। जैसे 143, यानी 5 सतत सम संख्याओं का योग औसत अगर 22 है, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 18 होगी। 45, 4, यदि एक निश्चित कोड भाषा में मास्टर को ऐसे लिखा जाता है और साकेत को किस प्रकार लिखा जाता है? तो मास्टर को लिखा जाता है जैसे M का 13 होता है, 1 का A हो जाता है, वैसे ही इसका लिखा जाता है। तो इसका जो होगा K होगा, K के बाद 20K22N4, K22N4H23, तो H23 यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, दैट मीन्स टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो चंद्रमा से पृथ्वी का जो औसत दूरी है वो 384, यानी 384,365 किलोमीटर है, 384,365 किलोमीटर ये दूरी टोटल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि टोटल दूरी क्या है। बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय, तो बिहार की आशा सहाय 16 वर्ष की छोटी उम्र में ही वो, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो थी आजाद हिंद फौज उसमें शामिल हुई थी, यानी आशा सहाय। आजाद हिंद फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में कार्य किया था, आशा सहाय ने लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में किया था। और आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व जो होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सार्थक यानी व्यवस्थित क्रम को व्यवस्थित करना है, सजाना है। तो व्यवस्थित करने में पहले हो जाता है मृदा, यानी पहले हो जाएगी मिट्टी, मृदा के बाद बीज होगा और बीज के बाद फिर पौधा होगा, यानी मृदा 4, 2, 3, 4 हो गया, 4, 2, 3, यानी दैट मीन्स ए सही होगा। मृदा के बाद फिर क्या बनेंगे? तो फूल बनेंगे, फूल के बाद ही फिर फल लगता है, तो लास्ट में 5 हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मृदा यानी मिट्टी होती है, मिट्टी के बाद उसमें बीज डाला जाता है, बीज के बाद पौधा होगा, पौधा के बाद फूल बनेगा, फूल के बाद फल लगेगा। 40 क्वेश्चन नंबर 50, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो विषम शब्द को चुनना है, कौन सा इसमें राइट है? तो अन्य सभी एल्युमिनियम के अयस्क हैं, सभी जो है एल्युमिनियम के अयस्क हैं, लेकिन कार्नालाइट जो होता है पोटेशियम का अयस्क होता है, कार्नालाइट इसमें अलग है।
तो कार्नालाइट जो होता है ना, पोटेशियम का ओर होता है, अयस्क होता है, बाकी सब एल्यूमिनियम के ओर से, क्रायोलाइट, बॉक्साइट और फेल्सपार, ये सब एल्यूमिनियम के ओर्स होते हैं। तो ओर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं, और इससे आइडिया होगा कि हमें किस किस टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है। थैंक यू।